आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण से और स्कंद है आठवां और इस आठवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के एक कथा जो कि त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों के बीच में ये त्रिकुट पर्वत स्वर्गीय लोगों का भाग है जहां पर समुद्र दूध का बना है। तो जैसे हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है जो है ये घिरा है खारे जल के समुद्र से, तो ये त्रिकुट पर्वत के पास दूध का समुद्र है और ये दूध का जो समुद्र है इसकी लहरें सुमेरु पर्वत की तलहटी को छूती हैं जाकर, और जब उस सुमेरु पर्वत की तलहटी को स्पर्श करती हैं, टकराती हैं, तो फिर रूबी और ऐसे कई प्रकार के जो ज्वेल्स हैं वो वहां से उत्पन्न होते हैं। और इसके पास एक बहुत सुंदर झील है और उस झील में क्रिस्टल क्लियर पानी है और साथ में उस झील के अंदर बहुत सारे सुंदर रंगों के कमल के पुष्प भी हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न करता है और बहुत सुंदर दिखने वाले नर और नारी जो हैं उसमें स्नान करते हैं और ये सारे इस स्वर्ग लोगों के वासी हैं और उनकी देह से ऐसी सुगंध आती है जिससे वो जल भी सुगंधित हो जाता है और उसके आसपास का सारा वातावरण पूरी तरह से सुगंध के अंदर डूब जाता है। तो जब इस प्रकार की चर्चा हम सुनते हैं आपको कैसा सबसे पहले विचार आता है मन में? स्विच ऑफ हो जाता है बुद्धि का बटन की अरे सब क्या क्या बातें करने लगे, ये कोई ऐसा हो सकता है दूध का समुद्र हो सकता है और पर्वत से टकराने से वहाँ क्या वो रूबी और कई तरह के ज्वेल्स उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और ऐसा सुंदर वातावरण ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब बड़ा काल्पनिक जैसा ऐसा मन में विचार आना शुरू होता है। ठीक है कि नहीं, ऐसा लगता है हमको? देखिए विश्वास उस वास्तविकता के प्रति जिसको हम में से किसी ने नहीं देखा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तविकता एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें उसका परिचय नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों का परिचय नहीं है और बहुत सारी चीजों को हमने नहीं भी देखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती ये हम स्वीकार करें क्योंकि हमने इसका अभी तक आज तक अनुभव नहीं करा है या हमने इसको आज तक नहीं देखा है, तो ये वास्तविकता हम उस तक नहीं पहुंच पाए, हम उसका जानकारी नहीं रखते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मकड़ी देख नहीं सकती, मकड़ी सुन नहीं सकती, सूंघ भी नहीं सकती, स्वाद भी नहीं ले सकती। पांच ज्ञान इंद्रियों में से सिर्फ स्पर्श की इंद्रियां मकड़ी की काम करती है, बाकी चार ज्ञान इंद्रियां मकड़ी की काम नहीं करती है। तो अब हम मकड़ी को देख सकते हैं लेकिन मकड़ी हमको नहीं देख सकती, तो मकड़ी के लिए ये जो सारा दृश्य जगत है मकड़ी क्या बोलेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ना वो देख पा रही है ना सुन पा रही है
ना वो सूंघ पा रही है ना वो टेस्ट कर पा रही है। तो मकड़ी क्या बोलेगी, ये दृश्य जगत एग्जिस्ट नहीं करता। हम बोलेंगे देखो यहाँ पर दिल्ली शहर है, इसमें एक मेट्रो भी चलता है, हाँ इसमें सिनेमा हॉल्स भी हैं, इसमें शॉपिंग मॉल्स भी हैं, लेकिन मकड़ी के लिए सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मकड़ी की चार ज्ञान इंद्रियां नहीं होती। तो वो कैसे अपने आहार को खाती है, कैसा चुनती है, सिर्फ स्पर्श से, स्पर्श से मकड़ी पहचानती है। तो अब मकड़ी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, अनुभव नहीं कर पाती, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तविकता मकड़ी के अनुभव ना करने की क्षमता के अभाव में नहीं रहेगी, वो तो है ना। उसी प्रकार से हमारी सीमाएं हैं ज्ञान प्राप्त करने की, तो अब उस सीमित सीमाओं के अंदर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो वास्तविकता क्योंकि हमारी सीमा है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती। इस पृथ्वी नाम के स्थान से परे भी बहुत सारी वास्तविकता है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए योग्यता चाहिए। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ किया था, तो राजसु यज्ञ के समय में नहीं, अश्वमेघ यज्ञ किया था, और अश्वमेघ यज्ञ के अंदर दूसरे देशों को जाके अपने अधीन लाया जाता है। तो अर्जुन इस पृथ्वी के परे जो वास्तविकता है, यानी कि कई स्वर्गीय लोग, वहां तक पहुंच गए आधिपत्य जमाने के लिए, और वहां कोई मनुष्य पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। तो उनका जो जन्म था, कुंती महारानी, और कुंती महारानी से इंद्र से आह्वान किया, तो पिता उनके इंद्र थे। तो इस कारण से अर्जुन के पास योग्यता थी कि वो एक मनुष्य के शरीर में होते हुए भी उन स्वर्गीय लोगों तक भी पहुंच गए, और वहां पे उनको कहा यहां तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता, तुम कैसे आ गए। तो ये रेफरेंस शास्त्रों में है। जब भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गए, और द्रौपदी ने कहा मुझे यही पुष्प चाहिए, उस समय जब अज्ञातवास में रह रहे थे, तो भीम चढ़ते गए ऊंचाइयों पे, और रास्ते में उन्हें एक बंदर मिला, और बंदर की पूंछ थी बीच में। तो भीम ने कहा ए बंदर अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है, क्योंकि अब ये द्वापर युग है जहां पर सम्मान की संस्कृति है, क्योंकि शरीर में परमात्मा का वास है। तो अगर आप किसी को टाप कर जाते हैं तो मतलब आप परमात्मा को टाप रहे हैं, तो ये अपमान माना जाता है भगवान का। इसीलिए सत्संग में भी आते हैं, कभी जगह नहीं मिलती तो ऐसे हाथ दिखाना चाहिए, हमको आगे जाना है, ऐसा नहीं कि किसी की टांग के ऊपर से कूद के चले जाएं। तो आज ये कल्चर कोई सीखता नहीं है और ना ही कोई जानता है, तो बस कैसा भी करते हैं। लेकिन सभ्यता ये कहती है, वैष्णव सदाचार कहता है, हाथ दिखाइए, ऐसा रास्ता मांगिए ताकि वो आपको रास्ता दें आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि किसी के शरीर के अंग के ऊपर से हम टाप के चले जाएं। तो भीम नहीं टापे, पूंछ थी बंदर की, और वो बंदर को क्या कह रहे हैं, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तो बंदर कहता है मैं बूढ़ा हूं, मुझसे नहीं हटती, अपने आप हटा लो। और भीम थोड़ा नाराज हुए, कैसे जवाब दे रहा है मुझको, लेकिन फिर हटाने लगे तो पूंछ उठी नहीं। वो हैरान रह गए, बूढ़ा सा बंदर है, पूंछ कैसे नहीं उठ रही इसकी। और ये भीम तो 10,000 हाथी का बल था भीम में। फिर दूसरा हाथ लगाया, पूंछ उठी नहीं, और ये कोई और नहीं, हनुमान जी थे। और जिनके जो कि भीम भी वायु पुत्र है और हनुमान भी वायु पुत्र है, तो दोनों भाई थे। तो ये जो भीम और हनुमान जी का संवाद है, ये कोई भारत की देश में नहीं था। ये किम पुरुष स्थान जो है, जहां पर सारे बंदर ही रहते हैं, ये उस स्थान का संवाद है, और वो भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। तो भीम वहां तक पहुंच गए पुष्प लेने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस महाभारत, रामायण, अनेक स्थानों पे मिलते हैं।
जो हमको इस पृथ्वी के परे वास्तविकता का परिचय देते हैं। तो अब इसका मतलब हम कहें कि हम नहीं जानते, हमारी जो सो कॉल्ड साइंस है वो नहीं जानते, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जी, क्योंकि हमारे हम नहीं जानते कैसे, क्योंकि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो विज्ञान नहीं पहुंच पाया तो हम नहीं पहुंच पाए। अब जैसे कोई भी फ्लाइट अंटार्कटिका के ऊपर से नहीं जाती, आज तक कोई भी फ्लाइट रूट अंटार्कटिका के ऊपर से नहीं गया, जबकि कई स्थानों पर जाना, अंटार्कटिका सुना है ना, मैं कुछ अलग बात तो नहीं कर रहा ना, आप समझ पा रहे हैं ना जो बोल रहा हूं। नॉर्थ पोल साउथ पोल पृथ्वी के दो कोने हैं जिसमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और इनके ऊपर से कोई भी फ्लाइट उड़ती नहीं है, साइडों से जाती है, क्योंकि जो उड़ी वो मुड़ के वापिस ही नहीं आई। अब क्या रहस्य है इसके पीछे, जबकि वो रास्ता छोटा है दूसरे देशों में जाने के लिए, वहां से ना जाके दूसरे लंबे रास्ते से जाया जाता है, क्यों? तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है आज तक। पृथ्वी के नीचे कभी सैटेलाइट नहीं गया आज तक, ऊपर गया है, नीचे कभी भी सैटेलाइट नहीं जा पाया आज तक। ऐसा गोल गोल घूमता है, ऐसा साइड से जाता है, लेकिन बिल्कुल पृथ्वी के नीचे साउथ पोल में नहीं जाता कभी भी। और जो वैज्ञानिकों ने देखा है, रिसर्च करा है, उन्होंने देखा है कि बादल नजर आते हैं उनको बस, और कुछ नहीं नजर आता। तो बहुत सारी वास्तविकताएं भागवतम में नजर आती हैं, अन्य पुराणों में पता चलती हैं, लेकिन हमारी साइंस के पास वो आज जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते, हमारा विज्ञान नहीं जानता, तो इस कारण से हम उसको नहीं माने। तो बिल्कुल जैसा मकड़ी बोले ये पूरा का पूरा दृश्य जगत नहीं है, क्योंकि मुझको दिखाई नहीं देता, मुझको सुनाई नहीं देता, मैं टेस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मकड़ी की कमी है, लेकिन वो जगह है। उसी प्रकार से जब हम इन जानकारियों को सोचें कि ये जानकारियां जो स्वर्गीय लोगों की दी जा रही हैं, क्योंकि हमारी साइंस ने नहीं समझाया, तो आपकी साइंस ने नहीं समझाया, लेकिन हमारी साइंस ने हमको समझाया है, और श्रीमद् भागवतम हमारी साइंस है, उसने हमें ये बात समझाई है कि ये एग्जिस्ट करता है, और इसके कई प्रूफ्स कई शास्त्रों के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टि से जब ये जानकारी सुन के आपके मन में ये अनुभव आता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, अब कैसे, देखिए एक ही शहर के अंदर उस शहर के नागरिक रहते हैं, लेकिन उनके रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। कोई स्लम में रहता है, कोई जनता फ्लैट में रहता है, कोई LIG में रहता है, कोई HIG में रहता है, कोई MIG में रहता है, कोई डुप्लेक्स में रहता है। एक ही शहर में लोगों के रहने की अलग अलग व्यवस्था है कि नहीं है? तो फिर ये कैसे संभव नहीं होगा कि सृष्टि में स्वर्ग लोक नहीं होगा, जब आपके एक शहर में रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। कोई 1000 गज के मकान में रह रहा है और कोई 50 गज के मकान में रहता है। अब 1000 गज के मकान की सुविधा 50 गज के मकान की सुविधा के तुलना में थोड़ी होगा। कोई बीच के किनारे अपना घर बनाता है बॉम्बे के अंदर, कोई नैरमन पॉइंट के ऊपर खरीदता है करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का घर, और कोई ऐसी जगह पे लेता है जहां हवा भी नहीं आती, प्रकाश भी नहीं आता। तो इसी देश के ऊपर भी देखेंगे, और अन्य देशों की तुलना तो छोड़ दीजिए, इसी देश के अंदर रहने की अलग अलग सुविधाएं हैं, तो फिर इस पूरे सृष्टि के अंदर स्वर्ग लोक भूलोक जैसी स्थानों में अलग अलग सुविधाएं क्यों नहीं होगी? जैसे ये एक्सपेरिमेंट जो कि वेदों में दिया गया है और आप करके देख सकते हैं, एक बेल मेटल आती है, बेल मेटल होती है एक, वो बेल मेटल को मरकरी से मिला दिया जाए, सही अनुपात में मिलाने से वो गोल्ड बन जाता है, प्योर गोल्ड बन जाता है। बेल मेटल मरकरी के कॉम्बिनेशन से गोल्ड बन जाता है, तो फिर दूध अगर सुमेरु पर्वत से स्पर्श करे तो रूबी क्यों नहीं बन सकता? और ये विज्ञान ने प्रूव कर लिया है कि बेल मेटल मरकरी को सही अनुपात में मिलाने से उसमें गोल्ड प्रोड्यूस हो जाता है।
ऐसे कई लोग हैं सिद्ध बाबा आदि लोग जो ये सब जानते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि हमने गोल्ड प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वो ये साइंस है इसके पीछे, वो कैसे गोल्ड बना है। तो ये जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं तो फिर ऐसा कैसे नहीं माने हम। तो इसीलिए हमारी जो समझ है इन विषयों के लिए वो पूरी नहीं है, जिस वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम में जानकारी दी गई है हमें उसको यथारूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में दी गई अन्य जानकारियां भी सत्य साबित हुई हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में कलयुग की प्रेडिक्शंस दी गई हैं और कहा गया है कि पुरुष लंबे बाल रखेंगे, और रखते हैं कि नहीं रखते आज कलयुग में लंबे बाल। बहुत सारी भविष्यवाणियां कलयुग के विषय के अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रेजेंट की गई हैं, और कहा गया है कि बाल सुंदरता का लक्षण माना जाएगा कलयुग में। और आज देखो हेयर स्टाइल इंडस्ट्री कितनी बूम करती जा रही है, बालों पे रंग लगाने के लिए बालों के जो सैलून है या उसके लिए हेयर ड्रेसर आदि लोग होते हैं, ये इंडस्ट्री कितनी आज एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया है, ये व्यवसाय बन गया है बालों से संबंधित पदार्थों को लेकर। और बालों से किसी की सुंदरता का आज वो बखान किया जाता है। तो चाहे आप अंदर से कितने गंदे हो, मतलब आपका हृदय कितना ही काला हो अंदर से, लेकिन बाल सुंदर है तो आप सुंदर हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है और आज हम होता हुआ देख रहे हैं इस बात को। तो ऐसी कितनी सारी भविष्यवाणियां भागवतम पुराण में दी गई हैं आज के युग के विषय में, जो 5300 साल पहले बोली गई लेकिन आज वो वास्तविकता है। और श्रीमद् भागवतम की कई ऐसी चीजें हमको रियलिटी में दिखाई दे रही हैं। आज आप देखेंगे कि पैसे की दौड़ में एक व्यक्ति क्या नहीं करता अपने जीवन में, क्योंकि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पैसा बनाना, सुख सुविधाओं को कमाना। और आज आप कोरिया, चीन जैसे देशों में जाएंगे तो लोग संतान को अबॉर्ट करते हैं क्योंकि उसको बेचने से पैसा मिलता है। अबॉर्टेड बेबी को बेचने से पैसा मिलता है, ये पैसा कमाने का तरीका है चीन और कोरिया जैसे देशों के अंदर, क्योंकि वहां के रेस्टोरेंट्स में अबॉर्टेड बेबीज पका के खाए जाते हैं। और इसलिए लोग ऐसा करते हैं वहां पर, पैसा कमाने का ये तरीका है लोगों के लिए। तो जब इस स्थिति तक ये पूरा समाज नजर आता है तो फिर ऐसे विषयों के प्रति विश्वास आसानी से होगा नहीं आपको। इसके लिए हमको पुण्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए ऐसे विषयों को समझने के लिए। तो जो हम ये कथा की बात कर रहे हैं, इस स्थान पे गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, और ये गजेंद्र नाम का जो हाथी था इसका बहुत बड़ा परिवार था, ये बड़ा शक्तिशाली था। और ये गजेंद्र मनुष्य नहीं हाथी था, और गजेंद्र एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चे अपनी पत्नियों के साथ उस त्रिकुट पर्वत की झील की ओर चलता जा रहा था। और जब रास्ते में जो भी पेड़ पौधे झाड़ियां वृक्ष लताएं कुछ भी दिखाई देता था तो गजेंद्र जाग उसको चलते हुए एकदम उसका कोई ध्यान नहीं रखते हुए उसको कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सब कुछ जो उसके मार्ग में आ रहा था उसको कुचलता जा रहा था, और उसको कोई इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे चलने से किसी को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये गजेंद्र नाम का जो हाथी था इसका बहुत बड़ा परिवार था, ये बड़ा शक्तिशाली था। और ये गजेंद्र मनुष्य नहीं हाथी था, और गजेंद्र एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चे अपनी पत्नियों के साथ उस त्रिकुट पर्वत की झील की ओर चलता जा रहा था। और जब रास्ते में जो भी पेड़ पौधे झाड़ियां वृक्ष लताएं
कुछ भी दिखाई देता था तो गजेंद्र जाग उसको चलते हुए एकदम उसका कोई ध्यान नहीं रखते हुए उसको कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सब कुछ जो उसके मार्ग में आ रहा था उसको कुचलता जा रहा था और उसको कोई इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे चलने से किसी को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति कई प्रकार के बंधनों से बंधा होता है तो वैदिक शास्त्र कहते हैं सबसे पहला बंधन है एक मनुष्य का ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, ये सबसे पहला बंधन है। तो गजेंद्र अपनी कई पत्नी और कई बच्चों को लेकर साथ चल रहा था। दूसरा बंधन शास्त्र कहते हैं वो है पैसा, हमारा करियर और पावर, ये दूसरा बंधन है। अब गजेंद्र वो राजा था, वो वन के प्राणियों का राजा था और वो किसी बात की कोई चिंता नहीं कर रहा था और वो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता था। तीसरे प्रकार का बंधन है प्रेस्टीज का, हमारा मान सम्मान। तो गजेंद्र के पास मान सम्मान था, क्यों था, क्योंकि वो राजा था उस वन के प्राणियों का। और चौथे प्रकार का बंधन है इच्छाओं का, और वो भी भोग की इच्छाओं का बंधन। तो गजेंद्र इस भोग की इच्छा से बंधा हुआ था। तो उसी प्रकार से आज आप देखेंगे इन चार कामों को प्राप्त करने के लिए, इन चार बंधनों को प्राप्त करने के लिए जिसे हम सुख मानते हैं अपने जीवन में, ये चार चीजें एक व्यक्ति अपने जीवन में इसको सुख मानकर स्वीकार करता है। और इन चार प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्टों को सामना करता है और वो किसी भी प्रकार के कष्ट से होकर गुजरना स्वीकार कर लेता है अगर उसको ये चार प्रकार में से कोई भी प्रकार का सुख उस कष्ट को उसको करने से प्राप्त होता हो। तो कोई भी व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता नजर आता है तो इसका मतलब वो यही चार प्रकार के सुख चाहता है उस परिश्रम को करने से, और उसके लिए वो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजरने के लिए अपने जीवन में तैयार हो जाता है। और इसीलिए पूरा का पूरा समाज आज के समय में आपको क्या सिखाता है कि आप अपने जीवन की परिस्थिति से संतुष्ट नहीं रहे, आप हमेशा असंतुष्ट रहे और अपने जीवन के अंदर आप हमेशा इन चार चीजों को पाने के लिए परिश्रम करते रहे। लेकिन अब इस सब को करने के लिए जिस प्रकार की जीवन शैली आज हमने अपना ली है, यानी कि हम सिर्फ अपने लिए तो चिंता करते हैं लेकिन दूसरों के लिए चिंता नहीं करते। अब आप देखिए प्लास्टिक ये बना तो हमको सुविधा देने के लिए है, लेकिन आज समुद्र में एक प्लास्टिक इतना इकट्ठा हो गया है क्योंकि सभी पूरे विश्व की जनसंख्या प्लास्टिक उपयोग करती है, तो ये बहकर प्लास्टिक जाता गया, ये प्लास्टिक खत्म नहीं होता, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। हजारों साल तक भी पृथ्वी में दबाए रखें तो ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होगा और ये पूरा का पूरा द्वीप बन गया है समुद्र के अंदर, आइलैंड बन गया है प्लास्टिक का, क्योंकि तैरता तैरता ये प्लास्टिक ना तो डूबता है, ना गलता है, ना नष्ट होता है, और वो सारा प्लास्टिक समुद्र में एक जगह इकट्ठा हो गया है और वो पूरा का पूरा एक देश की तरह बन गया है, एक साम्राज्य की तरह। तो हम सब अपने जीवन के लिए बहुत सारी चीजों को उपयोग करते हैं लेकिन हम दूसरों के लिए परवाह नहीं करते कि इस उपयोगिता के कारण दूसरे को कष्ट हो सकता है, दूसरे को कोई कठिनाई जीवन में आ सकती है। तो गजेंद्र की भी भावना कुछ ऐसी थी और बस चाहे वो पेड़ पौधों को कुचलता जा रहा था, उसके चलने से कई वन के प्राणी उसके प्रभाव से दूर दूर भागते जा रहे थे, उसका डर ऐसा था उसको देखते थे दूर दूर भाग जाते थे, और उसके आने से उसके इतने बड़े परिवार के एक साथ जाने से और वो बिना किसी का ध्यान रखे चलता जा रहा है बस किस लिए, मेरे आनंद के लिए। मैंने सुना था एक डेनमार्क नाम का देश है
और उस देश में एक उत्सव होता है और उस उत्सव का नाम है डॉल्फिन फेस्टिवल। तो इस डॉल्फिन फेस्टिवल के अंदर डॉल्फिन मछली को मार के खाया जाता है और उस दिन डेनमार्क देश के अंदर कितनी डॉल्फिन मछलियों को मार दिया जाता है बस ये उत्सव मनाने के लिए डॉल्फिन फेस्टिवल मनाने के लिए। उसी प्रकार से भारत देश जो कि धर्म भूमि है लेकिन आज भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर वन बीफ एक्सपोर्ट इन कंट्री है जहां पर गाय का मांस सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो सिर्फ सुख पाने के लिए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आज कुछ भी करने को तैयार है। तो गजेंद्र की भी मानसिकता कुछ ऐसी थी कि बस मेरी सुविधाएं मेरा सुख बाकी किसी को उस सुख को पाने के लिए अगर कोई कष्ट भी हो देना पड़े कोई दुख भी पाना पड़े तो मुझे उस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। अमेरिका देश के अंदर एक बड़ा प्रसिद्ध माफिया का एक डॉन होता था और ये बहुत सारे प्रकार के अपराध गलत काम करता था और कभी भी पकड़ा नहीं गया था। ये क्यों नहीं पकड़ा गया था, इसके पास अमेरिका का एक बड़ा फेमस लॉयर था जो इसके लिए ही काम करता था और ये लॉयर और ये माफिया के डॉन के बीच में साठगांठ थी। तो ये अपराध करता था और इसका इस लॉयर का ये जिम्मेदारी रहता था कि उसको उससे बचा के निकालना। तो वो भी बड़ा लॉयर एक्सपर्ट था और बहुत फेमस था पूरे अमेरिका में और वो कैसे भी करके इस डॉन को उसके अपराधों से बचा लेता था। तो एक दिन उस लॉयर का अब उस लॉयर को बहुत पैसा मिलता था इसके लिए, एक तरह से दोनों प्रॉफिट शेयर करते थे, काम बुरा वो डॉन करता था माफिया का और ये लॉयर को प्रॉफिट मिलता था क्योंकि उसको बचाया करता था ये सारे अपराधों से। तो एक दिन उस लॉयर का बेटा स्कूल से आया और बोलता है पिताजी आप पैसा कैसे कमाते हैं इतना। तो उसके पिताजी के पास कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए कि क्या मैं बोलूं अपने बच्चे को मैं कैसा पैसा बनाता हूं। तो वो बोला मेरे सारे दोस्त कहते हैं आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। ऐसा है क्या, आप गलत तरीके से पैसा बनाते हैं क्या। तो ये वकील के पास कोई जवाब नहीं था अपने बच्चे को देने के लिए और ये बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि उसका खुद का बेटा उसको ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो उस प्रश्न के बाद वो कुछ दिन तक सोचता रहा और वो पुलिस में गया, पुलिस स्टेशन में जाके उसने उस माफिया डॉन की सारी करतूतें सारी एक्सपोज कर दी और उसी दिन इस वकील को सरेआम गोलियों से भून दिया। कोई बाइक पे आए और उसने सर से लेके पैर तक सिर्फ बुलेट सी बुलेट्स उसके पूरे शरीर में थी, ये मारा गया। अब एक और दूसरी घटना, अमेरिका और जापान का जब युद्ध हुआ था तो एक अमेरिका का वॉरशिप समझते हैं जो युद्धपोत बोलते हैं, धन्यवाद। तो युद्धपोत था तो उसको बचाने के लिए उस पे दो लड़ाकू हवाई जहाज थे, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो उसके ऊपर थे शिप के ऊपर और उन्होंने देखा जापान के 10 जो एयरफोर्स के जहाज थे एयरफोर्स के जहाज वो आ रहे थे और इस युद्धपोत को नष्ट करने आ रहे थे। तो इसमें जो दो पायलट थे दो जहाज थे उन्होंने डिसीजन लिया कैसे भी कर हमको इस जहाज को बचाना है, इस शिप को बचाना है युद्धपोत को कैसे भी करके। तो इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट उस युद्धपोत से उड़ाया और उड़ाने के बाद दोनों वो जापान के 10 एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे उनसे लड़ने लगे और एक जो अमेरिकी हवाई जहाज था उसका पेट्रोल खत्म हो गया और उसको नीचे वापिस आने पड़ा और एक था ये और ये अपने हवाई जहाज से कई फायरिंग कर रहा था गोलियां चला रहा था और उसने 2-3 जापान के जो हवाई जहाज थे उनको गिरा दिया समुद्र के अंदर ही गोलियां चला चला के। और थोड़ी देर के बाद इसकी सारा जो इसका एम्युनिशन था गोली था वो खत्म हो गया। तो इसने क्या करा, ये व्यक्ति थका नहीं और हारा भी नहीं और निरुत्साही भी नहीं हुआ, ये अब अपना हवाई जहाज ले जाके अपने पंख से बाकी जो जापान के हवाई जहाज थे उनको टक्कर मारता था और उसने 3-4 हवाई जहाज और उनके गिरा दिए। तो 10 आए उसमें से 7-8 डिस्ट्रॉय हो गए और एक दो ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है और वो वापिस चले गए दो हवाई जहाज।
और ये व्यक्ति जो था अकेला, इसने 10 के 10 हवाई जहाज का सामना किया और उस युद्धपोत को बचा लिया। तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने इसको बहुत सम्मान दिया, वीरता पुरस्कार दिया और इसके नाम पे आज अमेरिका का शिकागो का एयरपोर्ट का भी नाम रखा हुआ है, ओहायर। ये उस व्यक्ति का नाम था, वो पायलट का, और ये ओहायर उस वकील का बेटा था जो वो माफिया डॉन के लिए काम करता था। तो देखिए, उसके पिताजी ने मरना स्वीकार किया सच्चाई बोल के, अंततः अब उसका प्रभाव उनके बेटे पे क्या गया कि उसने भी चरित्र का जीवन जीना स्वीकार किया, कर्तव्य का जीवन जीना स्वीकार किया। तो उसी प्रकार से हम भी इस जीवन को जीते वक्त अगर सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए जीवन जिए तो ये मत सोचिए आपको कोई वॉच नहीं कर रहा है, आपकी संतान ही सबसे पहले आपको देख रही है, और जो आप कर रहे हैं आपकी संतान आपको करता देख रही है और वो कल को वही दोहराने जा रही है। तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो समाज चरित्रहीन है, जिस समाज में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्रधानता नहीं देता, सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए जीवन जीते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आगे चलकर इस प्रकार से अपने जीवन को बदले तो ये उसके पूरे परिवार में प्रभाव दिखाई देता है, ये उसके घर के सभी सदस्यों पे इसका प्रभाव दिखाई देने जा रहा है। तो अब गजेंद्र ऐसी अवस्था में मतवाले रूप में प्रवेश कर रहा है उस त्रिकुट पर्वत के झील के अंदर, और जैसे ही वो झील में गया तो झील में जाते ही अपने स्वभाव स्वरूप, वो झील में आया था आनंद भोगने के लिए, तो अपनी सूंड से पानी भर भर के अपने बच्चों पे पत्नियों पे गिराने लगा और वहां पर भोग करने लगा। तो देखिए, अभी गजेंद्र बड़ा चाहे आनंद पाने के लिए झील में आया था, लेकिन इस संसार में आनंद पाने के लिए भी बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो गजेंद्र को मेहनत करनी पड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झील में प्रवेश करने से ही आनंद मिल रहा था उसको। अभी अपना सूंड से पानी भर भर के पत्नी बच्चों पे वो पानी फेंक रहा था और परिश्रम कर रहा था पानी के अंदर सुख पाने के लिए। उसी प्रकार से संसार में सुख भोगने के लिए हम सबको बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो यानी कि कष्ट उठाकर हम इंद्रिय भोग को अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं, तो ये इंद्रिय भोग इतनी आसानी से हमको नहीं प्राप्त होता, इसको पाने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत हमको जीवन के अंदर करना पड़ता है। और ये जो सुख है चाहे परिश्रम करने से मिलने वाला, लेकिन ये रहता भी नहीं हमेशा, तो मेहनत इतनी करना पड़ता है इसको पाने के लिए, और ये फिर छिन भी जाता है हमसे, ये हमारे पास रह भी नहीं पाता। तो कैसा ये परिश्रम है जो हमारे पास हमेशा रहता भी नहीं और जो हमसे खो भी जाता है और उससे हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होता है अंततः। तो उसी प्रकार से गजेंद्र की भी ऐसी भावना दिखाई देती है। अब गजेंद्र जो था वो ऐसा सब कर रहा था, लेकिन भाग्य में गजेंद्र के कुछ और लिखा था, और वो क्या भाग्य के अंदर लिखा था कि गजेंद्र उस झील में अकेला स्नान करता जा रहा था, खेल रहा था पानी से, और उसके बच्चे और पत्नियां झील के अभी बाहर ही खड़े हैं, तो बीच में एक मगरमच्छ ने आके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। और जब मगरमच्छ ने आके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया तो अब वो गजेंद्र के पैर को पकड़ के पानी में खींचने लगा, और गजेंद्र को अचानक लगा कि उसको कोई पानी में खींचता है। तो गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा के उस मगरमच्छ को रोकने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की, वो खुद उस मगरमच्छ को भूमि की ओर खींचने लगा। तो ऐसा करके दोनों के बीच में, गजेंद्र और उस मगरमच्छ के बीच में, एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। उसी प्रकार से हम ये संसार में जीवन जीते हैं, और जब हम जीवन जीते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमेशा हम इस आनंद को भोग पाएंगे, लेकिन ये संसार बड़ा क्षणिक है,
और यहाँ पर संभावित विपदाएं हमारा हमेशा इंतजार कर रही हैं। अभी हम सोचते कुछ हैं, लेकिन कोई ना कोई कठिनाई बीच में आकर वो हमको हमारी रास्ते की अड़चन बनती जाती है। अभी गजेंद्र भी सुख की आशा लेकर वहां आया था, लेकिन ये संसार सुख भोगने के लिए बना नहीं। चाहे ये घटना स्वर्गीय लोगों की है, लेकिन स्वर्गीय लोग भी सुख भोगने के लिए हमेशा सुविधा नहीं देते। आप देखिए, असुर लोग इन स्वर्ग के लोगों पे बार बार आक्रमण करते हैं, ऐसा हम भागवतम में कई कथाओं के अंदर पढ़ते हैं। तो देवता लोग ऐसा नहीं कि आराम से रह पा रहे हैं, उनके ऐश्वर्य को देख के असुर लोग द्वेष करते हैं और वो जाके देवताओं को कई बार सिंहासन से हटा देते हैं, कई बार बाहर निकाल देते हैं स्वर्ग से, फिर भगवान अवतार लेकर आके देवताओं को बचाते हैं। तो वो देवता सुख लेने के लिए वहां रहते हैं, लेकिन सुख भोग नहीं पाते, उसमें भी कई कठिनाइयां आती हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, ये भौतिक जगत सुख भोगने का स्थान नहीं है। ये भौतिक जगत में हम आए हैं अपने अनर्थों को दूर करके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.